अच्छा नहीं लगता तो किस लिए सब्सक्राइब कर लेते, तो मैं चाहता हूँ हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ दोस्तों, पहले मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग, साथ मुझे इस बात का। हेलो दोस्तों, नमस्कार प्रणाम, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल में। और दोस्तों मैं आज ज़्यादा काफ़ी परेशान हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत में हूँ और बहुत मन करता है, एक बार मन करता है कि इस वीडियो को बनाना छोड़ दूँ या नौकरी वगैरह करूं या कुछ और करूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो जाता हूं, क्योंकि इस लाइन में मुझे आए लगभग काफ़ी टाइम हो चुका है, लगभग 2-3 साल 4 साल, मतलब इस यूट्यूब में 2 साल 3 साल गुजर चुका है, लेकिन जो चीज़ मुझे चाहिए वो चीज़ नहीं मिल रहा है। और शायद यार इतना सब्सक्राइब होने का क्या मतलब है, मैं सोचता हूँ ना सबसे पहले आप लोग मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिए, जितने लोग किए हैं ना सब लोग अनसब्सक्राइब कर दो अगर देख रहे हो। कहना इसलिए पड़ रहा है दोस्तों कि 5 लाख से ऊपर लोग मेरे पे जुड़े हैं, लेकिन 5 लाख की बात तो छोड़िए, 10-20-25 हजार तक लोग भी नहीं देख पाते हैं वीडियो। और पता नहीं, समझ में नहीं आता कि यार किस लिए सब्सक्राइब किए हैं, जब वीडियो नहीं देखना था तो किस लिए सब्सक्राइब कर लेते हैं लोग, अच्छा नहीं लगता तो किस लिए सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ दोस्तों, पहले मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग, साथ मुझे इस बात का खुशी रहेगा कि चलिए यार जो हैं जो देखने वाले हैं, मैं इस उन लोगों का कह रहा हूँ कि जो लोग मेरा वीडियो नहीं देखते हैं, 5 लाख 30 हजार या 40 हजार सब्सक्राइब होने पर जो कुछ लोग, इतने लोग में से जो हमको नहीं देखते हैं, प्लीज आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोग अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यार इतना मुझे दिखाकर और इतना दिलासा देकर अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि यार 5 लाख की पब्लिसिटी और 25 हजार 30 हजार भी ना देखे तो बेकार है। और शायद मुझे लगता है कि जहाँ तक कि मैं, मेरा एक होता है ना कि मैं दिन पे दिन मेरा मनोबल बढ़ना चाहिए, लेकिन मेरा मनोबल गिरता जा रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा सा और डिस्टर्ब हो जा रहा हूँ, क्योंकि आप सबको दिखा दूँ दोस्तों, काफ़ी लोग सोचते होंगे ना कि अजय रंगीला भैया कितना कमाते हैं, अजय रंगीला भैया बहुत ज़्यादा कमाते होंगे, ये होंगे वो होंगे बहुत ज़्यादा, तो दोस्तों बहुत ज़्यादा मैं नहीं कमाता हूँ, शायद आप सबको इतना बता सकता हूँ कि जितना एक आदमी नौकरी कर कर कमा सकता है 10 से 15 हजार रुपये उतना मैं कमाता हूँ। आप लोग बताइए 10 से 15 हजार रुपए में मैं 25 लोगों का परिवार मेरा है, 25 लोगों में कमाने वाला खाली मैं हूँ, 2 भाई हम लोग हैं, भैया जी घर पर रहते खेती करते हैं और कमाने वाला शायद मैं ही हूँ, और पिताजी रहते थे तो साथ में हम, पिताजी मेरा दिल्ली में ऑटो रहता था तो दिल्ली में ऑटो चलाते थे, तो तब तो नहीं पता चलता था, क्योंकि बाप के रहने, माँ के रहने पर, माँ बाप के रहने पर कभी भी तकलीफ नहीं आता, लेकिन जिस दिन माँ बाप नहीं रहते दुनिया में तो शायद औकात पता चल जाता है, और जिस कठिनाई से लोग हम लोग को पालते हैं वो सब सब पता चल जाता है। तो शायद आज मुझे इतना वो होता है गिरी यार, इतना मतलब लोग जुड़ने का, लोग मुझे इतना काम करने का, मेहनत करने का, साला जब कोनो मतलब ही नहीं निकला, जब 5-10 हजार 20 हजार कमाना है तो कहीं पर भी कुछ भी कर कर कमा सकते हैं, क्या मतलब है इतनी बड़ी पब्लिक सिटी का, क्या मतलब है इतना, मुझे बहुत बहुत बेकार आता है, बहुत कभी कभी मुझे रोना भी आता है कि ये सब मैं छोड़ के चला जाऊं या इस लाइन को छोड़ दूं। और शायद आज शायद सबको पता है यूट्यूब का सबका पैसा किसी किसी को बैंक में आ चुका होगा, सबका नहीं तो किसी किसी का आ चुका होगा, लगभग आजकल में सबका अपडेट हो जाता है, तो 21 तारीख को कट जाता है सिस्टम, पैसा अकाउंट में आ जाता है। फिलहाल अभी जो मैं देखा हूँ ना कि मुझे इतना मतलब इतना मेहनत करने के बाद भी बताइए कोई मतलब नहीं है, 5-6-7 हजार रुपये 8 हजार रुपये का मतलब है, मतलब इतना ठीक मैं मानता हूँ 8 हजार रुपया बहुत होता है, लेकिन किस लिए होता है, अगर हम अपने को खुद देखें, स्वयं अपने को देखें तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उसी में अगर 25 परिवार चलाने के लिए कह दें किसी को यार, पूरा घर समाज या मतलब नात रिश्तेदारी उसी में सब कुछ देखना खेती बाड़ी, तो शायद आप सबको कठिनाई लग जाएगा, और शायद मैं इसी से दुखी रहता हूँ, मुझे पैसा के लिए भी मैं कहता हूँ कि मुझे पैसा चाहिए आप सबका, मुझे अगर आप सब अपना प्यार देंगे तो हम पैसा भी कमाएंगे, लेकिन वही चीज मैं सोचता हूँ जीवन, अगर आप लोग थोड़ा सा प्यार दुलार आशीर्वाद दे देते ना तो शायद मैं, जो मैं काफी वीडियो में बोल चुका हूँ जो कोई नहीं किया वो मैं करने लगूंगा, और थोड़ा सा इसी से मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ कि यार बताइए इतना मेहनत करने के बाद भी कहाँ कहाँ दिन भर गाना लिखना, गाना गाना, कभी कभी देखते हैं कि शॉर्ट वीडियो कहाँ बना पाते हैं, गाना साना हर एक चक्कर में हम लोग परेशान हो जाता हूँ मैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है यहाँ वहाँ दौड़ने से ये सब करने से। और शायद जो अच्छे से कर रहा है ना, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जो अच्छे से काम कर रहा है ना उसको कोई नहीं देखता, शायद
आप लोग इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, मुझे जहां तक लगता है कि इस वीडियो को कोई कोई नहीं देखेगा, बोलेगा साला लेक्चर फेंक रहा है ये सब फलांडे का। तो दोस्तों शायद इसमें अनुमति नहीं है कि अपना रेवेन्यू दिखाना, और शायद आप लोग अगर मुझे मेरे पे विश्वास है, आप लोग समझिए कि 150 डॉलर, 185 डॉलर, 70 डॉलर, 20 डॉलर, 30 डॉलर ऐसे कर मतलब शॉर्ट का जो फंड होता है ऐसे आता है। अब ब्लॉग आप सबके माध्यम से देख ही रहे हैं, जब तक मैंने गोरखपुरिया भाभी जी के पक्ष में मैंने उनका सपोर्ट में वीडियो बनाया तो काफी लोग देखे, तो मुझे लगा कि नहीं यार मेरे जो हैं फैंस देखते हैं, ऐसा नहीं है, चैनल भले से 5 लाख लेकिन लोग हैं देखने वाले, लेकिन जहां से देखते हैं कि जैसे उनका हमने बात खत्म किया वहां से चैनल डाउन हो गया। तो मुझे जहां तक लगता है कि यार ये बताइए अगर कोई विरोधी चीज करता है तभी आप लोग देखिएगा दोस्तों, हम लोगों का अच्छा चीज नहीं लगता बोलना बतियाना, अच्छा नहीं लगता है, हम लोग तो इतने अच्छे से साफ सुथरे से बोलना बतियाना चाहते हैं आप सबसे। अब कोई कोई आजकल देख रहे हैं औरतें इतना बेहुदा हो चुकी हैं पैसे के चक्कर में, और पब्लिक सिटी तो उनको आजीवन अच्छा वाला नहीं मिलेगा, जहां तक मैं कमाया हूँ आप सबके दिल में, जहां तक मैं राज किया हूँ शायद वैसा पब्लिक सिटी कोई नहीं कमाएगा, क्योंकि हर एक क्रिएटर के अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं। ठीक है, हम कहते हैं हमारे अंदर ऐसा नहीं, हमारे अंदर कमियां नहीं, लेकिन हम उस चीज जाहिर नहीं करते हैं हमारे अंदर क्या कमियां हैं, लेकिन आजकल YouTube पे लोग जो जाहिर नहीं करना चाहिए वो जाहिर कर देते हैं, तो शायद उन्हीं लोगों का देखने के लिए भाई हमारी जनता भी, हमारी पब्लिक भी उनका साथ देगी और साथ दे रही है, और शायद हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो कोई नहीं देख रहा है। तो अभी अभी हमको थोड़ा सा मतलब पैसे आए तो हमने देखा तो इसीलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, बताइए यार कैसे क्या करें क्या नहीं करें, मतलब मुझे लगता है कि सब साला इतना मैं दुनिया में इतना मेहनत किया हूँ, इतना सब कुछ किया हूँ, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ दोस्तों, माँ कसम सच बता दूं ना बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ। शायद आप सब समझ सकते हैं कि परिवार में मैं अकेला कमाने वाला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं खड़ा है, बस खड़ा कौन है, आप लोग हैं, आप ही लोग की बदौलत मैं कुछ ना कुछ कर पाऊंगा जीवन में। अगर आप लोग चाह लेंगे तो जो नहीं करना है अजय रंगीला वो कर देगा, लेकिन कभी भी अपना दिन अपना वक्त अपना एक भी, आप लोग इस वीडियो को नोट कर या डाउनलोड कर रख लीजिए कि कभी भी मेरी बात चुकेगा नहीं जो मैं कह रहा हूँ, कभी भी अगर आप लोग उस लाइक बना देंगे तो हमेशा आपके शरण में गिरा रहूंगा दोस्तों, जो भी जिससे जितना हमको होगा उतना करेंगे। लेकिन कुछ लोग बोलते भैया मेरा प्रमोट कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, आप ही बताइए कि कोई इंसान इतना काम कर थका है, परेशान है, दिन रात मेहनत कर रहा है, उसका नहीं देख रहे तो आप लोग को क्या देखेंगे। अगर हमारा कोई सपोर्ट करता देखता तो हमको समझ में आता चलिए करते हैं, लेकिन हमने उस चैनल पे बोला है, लेकिन जहां तक मेरी ऑडियंस है मैं प्रमोट सबका करूंगा ऐसा नहीं है दोस्तों, बस थोड़ा सा आप लोग देखिए कि जब जब हम लोग कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं तब तक कुछ ना कुछ परेशानी आ जा रही है, कुछ ना कुछ दिक्कत आ जा रहा है, चाहे हमारी फैमिली को हो या अदर फैमिली को, तो हम सबके लिए एक बराबर है दोस्तों। यही कहना चाहते हैं कि शायद मुझे लगता है कि मेरे काम में, मेरे वीडियो में और मेरे मेहनत में कुछ कमी है कि शायद आप लोग को नहीं पसंद आता है, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा यार अपना छोटा भाई छोटा लड़का समझ कर अगर जब भी मैं वीडियो डालूं आप लोग ज्यादा नहीं 2 मिनट 1 मिनट वॉच कर लेंगे ना तो शायद मेरा भी कल्याण हो जाएगा। मुझे भी लोग जो मैं अपने पिताजी को मैंने एक वचन दिया है कि नहीं, वो बोले भी हैं कि शायद तू आने वाले समय में बहुत आगे जाएगा और मेरा नाम करेगा, शायद वो नहीं रहे लेकिन उनको उनका जो बात है मैं उनको क्या मतलब, अगर मैं जीवन में कुछ नहीं हो पाऊंगा तो क्या जवाब दूंगा, मतलब क्या मैं अपने आप से सोचूंगा, जवाब क्या दूंगा, लेकिन अपने आप से क्या सोचूंगा कि नहीं हो पाया, इतना मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं हो पाया, तो बहुत सारा दुख होता है क्योंकि इंसान दिन रात मेहनत करता है और क्या से क्या करने के लिए, लेकिन जब उसको सफलता नहीं मिलती है तो बहुत, क्योंकि सफलता मिलती है। देखिए मैंने भी शुरू में अगर हिम्मत हार गया होता तो शायद यहां तक नहीं होता, आप सबका इतना प्यार नहीं पाता, लेकिन लगे हैं कर रहे हैं, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि जब तक 2 पैसे आएगा नहीं तब तक आदमी अच्छे से क्या करेगा बताइए। अगर इंसान शुरुआती से कोई काम करता है तो पहले कोई ढंग नहीं रहता, लेकिन धीरे 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 इंसान में चेंज आ जाता है, और हर एक क्वालिटी में उसके, हर एक पर्सनालिटी में, तन बदन में, या उसके खाने पीने में, या कपड़े लत्ते में, सब कुछ में आ जाता है। लेकिन शायद मैं ऐसा इंसान हूं कि चाहे छोटा थोड़ा कमाया चाहे बहुत कमाया, बहुत तो नहीं कह सकता दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ, बहुत बहुत ना कमाया, मैं जहां तक मैं कमाया हूं अगर महीने का पेमेंट अगर मैं बहुत ज्यादा उठाया हूं, सबसे ज्यादा उठाया हूं,
तो फर्स्ट बार मुझे याद है गजरंग गिला ऑफिशियल से मैंने 40,000 रुपये उठाया था, उससे ऊपर आज तक मैंने कभी कोई पेमेंट नहीं उठाया। और उसके 15-20 ऐसे कर चल रहा है। और उतने में मैं बताइए यार, दोस्त मेरे और बहुत सारे फैमिली में लोग हैं तो कि कैसे मतलब गुजारा करें, कैसे क्या करें, समझ में नहीं आता है अपना भी। इसीलिए आप सबको पता होगा कि मेरा वीडियो आप कोई भी उठा के देख लीजिए कि शायद मैं अपने लिए कपड़े तक भी नहीं लेता हूँ। शायद ही डांटते हैं कि कपड़ा नहीं लेते हैं अच्छे से। और शायद मुझे रियल में आप लोग देख लेंगे तो आपको लगेगा अजय रंगीला कैसे रहता है, कैसा है, किस मतलब इतना नाम कमा कर भले से पैसा नहीं कमा रहा हूँ दोस्तों, लेकिन नाम आप सबके बीच में आप सबका प्यार बहुत मिला है। तो लोग कहेंगे इतना नाम कमा कर साला फटीचर की तरह रहता है, तो शायद मुझे यही पसंद है कि मैं आजीवन ऐसा ही रहना चाहता हूँ। देखो फटीचर के नाम पे मेरी बीवी हंसती कि ये भी कहती है ना फटीचर तभी कि आप इतना मतलब चलिए जाने दीजिए, मतलब मत खाइए, लेकिन कुछ मत खाइए, तो 2-4 पैसा जुटा कर अपना ले लीजिए कपड़ा लत्ता। लेकिन शायद मुझे कपड़े लत्ते का भूख नहीं है, मुझे ज्यादा से ज्यादा, मुझे बहुत ज्यादा, मैं शौकीन हूँ तो मैं खाने का हूँ, खाने पीने का बहुत ज्यादा शौकीन हूँ, कपड़े लत्ता का नहीं हूँ। लेकिन फिलहाल अगर वो सिचुएशन रहता, वो सिस्टम रहता तो शायद मैं भी थोड़ा मोड़ा इस दुनिया में आया हूँ तो थोड़ा सा आप सबके आशीर्वाद से एंजॉय कर सकता था। लेकिन मुझे इतना भी बड़ा एंजॉय नहीं करना है, आप सबके प्यार में जीना है, मरना है, और इतना भी बड़ा नहीं बनना। मैं तो पहले वीडियो में बोल रहा हूँ भैया मुझे इतना भी बड़ा मत बनाइए, लेकिन थोड़ा सा दोस्तों आलू से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है यार, मतलब आप लोग थोड़ा सा, बहुत ज्यादा मैं कर्जी हूँ दोस्तों, मैं बता नहीं सकता हूँ, खुलकर कह नहीं सकता हूँ, सोशल मीडिया है, लेकिन थोड़ा सा अपने भाई की परेशानी बूझिए जब भी मैं वीडियो कुछ डालू। दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखा कि मैं जब भी कुछ बात करता हूँ कुछ ना कुछ, देखिए मैं अपने तरफ से तो अच्छा करता हूँ, शायद आप सबको अच्छा लगता है या नहीं लगता, नहीं लगता तो शायद तभी नहीं देखते हैं आप लोग। क्या आप लोग बताइए कमेंट में कि अजय क्या करे, अब तक मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब बताइए कि एक बीवी आई, आप सबको बता दें दोस्तों जब से बबीता आई है तब से मैंने विदाई तक नहीं किया इसका। आप लोग समझ सकते हैं कि जब से मैंने शादी किया आज तक अपने घर विदाई से नहीं गई है, यहीं पर रही गई। उधर पापा का डेथ हो गया, बहुत सारा सिस्टम हो गया, हमने सोचा कि चलो जाने दो, हमारी जो जिंदगी है एक छोटे छोटे बच्चों की तरह होती है, वैसे दिमाग की जिंदगी है कि चलिए उतना बड़ा लंबा नहीं सोचते हम लोग कि आना जाना ये हो, चला आएगी नहीं तो ठीक है अपन परिवार ही होगा, तो वो सब वाली बात होला, इतना रीति रिवाज वाला जो चीज होला कि लोग कहने की जाला लड़की 4-6 महीने 10 महीने साल बर्बाद वाला। लेकिन शायद बच्चा एक भी महीने अपने घर नहीं रह पाई है, 2-4 दिन के लिए जाती है, अभी तो मान लो 2-3 महीना हो गए, गए हुए 1-2 महीना हो गया, 15-20 दिन 1 महीना हो रहा होगा, बीच में गई थी, लेकिन उससे पहले 1-2 दिन के लिए जाती थी, उसके बाद 1-10-20 दिन के लिए 1 महीने के लिए कभी नहीं गई। तो दोस्तों हम लोग यही चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, और शायद ही मेरा वीडियो काफ़ी माँ बहन देखती होंगी, लेकिन आप लोग के ही सपोर्ट से एक वीडियो अगर जब भी मैं चढ़ाऊँ आप लोग देख लेंगे ना, तो मेरा कुछ ना कुछ हो जाएगा दोस्तों। तो बस मैं यही कहना चाहता था, मेरे दिल की जो बात थी मैं कह दिया। शायद आप लोग इस वीडियो के माध्यम से अगर जितने भी भाई देखे हैं तो आप लोग अपना कमेंट पूरा कर बताइए कि क्या मैं इस लाइन को छोड़ दूँ या करूँ। आप लोग का जितना कमेंट रहेगा, लाइक मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता लाइक मत कीजिए, आप थोड़ा कमेंट कर बताइए कि मतलब कि मैं इस लाइन को छोड़ दूँ या इस लाइन में काम करूँ या क्या करूँ। तो दोस्तों यही कहना था, शायद आप सबको अच्छा लगा हो तो वीडियो, तो कमेंट अपना प्यारा सा जरूर करना, बताना मुझे जरूर कि मैं इस लाइन में रहूँ या छोड़ दूँ या चला जाऊँ साला कहीं कमाने, छोड़ दूँ इस दुनिया को यार एकदम से। मैं अच्छे से करना चाहता हूँ, मैं बेइज्जती से नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपने समाज को गंदा नहीं करना चाहता हूँ, जो भी करूंगा अच्छे से करूंगा या मैं करूंगा इनको कराऊंगा, लेकिन दोनों लोग अच्छे से करेंगे और आप सबको अच्छे से इंटरटेन करेंगे, या माँ बहन छोटा छोटे बच्चे सभी लोग देख सके, गलत संदेह इस समाज को ना जाए। तो बस दोस्तों मुझे यही कहना था, आप सबसे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप सबको अगर मेरा बात का थोड़ा सा भी वो लगा होगा, नहीं कोई भाई अगर हमको देखना चाहते हैं रियल में, मिलना चाहते हैं, इसीलिए मैं कितने भी भाई कहते हैं भैया मैं आपके घर आना चाहता हूँ, तो शायद भाई आप सब के लिए इसीलिए मैं करता हूँ, इसलिए नहीं मिल पाता हूँ, इसलिए मीटअप में नहीं जा पाता हूँ, मैं अभी उस लेवल का नहीं हूँ, मैं उस लेवल पे पहुंचा नहीं हूँ। आप सबका प्यार बहुत मिला है, लेकिन मैं उस लेवल का मतलब समझ रहे ना कि थोड़ा सा लाचार है, लाचार मतलब लाचारी के नाम महात्मा गांधी, तो बस वह चीज में भैया थोड़ा सा लाचार है। जिस दिन हम सिस्टम में आ जाएंगे, आप सभी से मिलेंगे, आप सभी क्रिएटरों से मिलेंगे, आप सबका साथ रहेंगे और घूमेंगे टहरेंगे और सबको साथ लेकर चलेंगे,
लेकिन थोड़ा सा अभी मजबूरी है, अभी हमारी ऑडियंस से हमको थोड़ा सा निहोरा करना है कि भैया लोग आप प्लीज यार, भैया दिल से कह रहे यार, आप लोग थोड़ा सा प्यार आशीर्वाद दीजिए। तो चलिए, थैंक यू, लव यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और अगर मेरी बात को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, अगर गलत लगा हो तो आप लोग बिल्कुल मत देखिए, मैंने पहले बोल दिया अनसब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल। शायद मैं उतना बड़ा बोझ लेकर नहीं चल सकता कि 5 लाख लेकर 50 आदमी ना देखे, 50,000 आदमी ना देखे, तो दिक्कत, दिल में बहुत दुख होता है। तो चलिए दोस्तों, यही कहना था। और अगर मेरी बात से गलती कुछ निकल गया होगा या गलत लगा होगा तो मुझे माफ करना, छोटा बेटा छोटा बाबू समझ कर। और शायद मैं उतना बड़ा भी नहीं हूँ कि आप सबसे इतना मैं बतिया सकूँ। तो चलिए, धन्यवाद, लव यू, थैंक यू सो मच।